जय माता दी। साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर से संबंधित टॉपिक पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, डिटेल से देखें अतिथि शिक्षक भर्ती में खेला हो गया। जी हाँ, अतिथि शिक्षक भर्ती में कुछ अजब और कुछ गजब होने वाला है। अधिक अंक स्कोर कार्ड वालों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपको सुनकर अचरज लगेगा, पर वास्तव में हकीकत यही रहने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप इस जिसके कारण सुनने पर आप स्वयं में सहमति जताएंगे कि जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वह क्लियर व ऑथेंटिक है। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में कम अंक होने पर भी मिलेगी ज्वाइनिंग। जी हाँ, अधिक अंक पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, कम अंक पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जैसे ही हम अपनी आईडी पर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये ऑप्शन आता है जिसमें दिया गया है अतिथि शिक्षक की जो चॉइस फिलिंग उससे संबंधित ट्यूटोरियल। अर्थात इस वीडियो को आप देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जिस विद्यालय को आप पहले चुनेंगे उसी में आपका नाम आएगा। यदि आपका स्कोर कार्ड सर्वाधिक ऊपर है, शेष सभी विद्यालय में भले ही आपका स्कोर कार्ड सबसे अधिक ऊपर है, लेकिन यदि आपका किसी एक विद्यालय में नाम आ गया तो शेष किसी भी विद्यालय में नाम नहीं आएगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अतिथि शिक्षक अधिक अंक स्कोर कार्ड वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्र संख्या ना के बराबर है और गवर्नमेंट टीचर तीन तीन चार चार कार्यरत हैं। जैसे हमारे पन्ना जिले की पवई तहसील के अंतर्गत, पन्ना जिले की पवई ब्लॉक की सिमरिया तहसील के अंतर्गत बूदा ग्राम में छात्र संख्या लगभग 54 या 53 है, लेकिन वहां पर वर्तमान में कार्यरत गवर्नमेंट टीचर 4 हैं, जिस कारण से भले ही पद संख्या 100 हो रही है लेकिन वहां पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और ऐसे कई विद्यालय हैं जिनमें अभी अतिथि शिक्षक या प्रमोशन के कारण गवर्नमेंट टीचर जा चुके हैं लेकिन अभी भी पोर्टल पर पद संख्या 100 रही है। जैसे UEGS कछियाना, टपरियन, इसके अलावा भूपतपुरा, हमारे पास आसपास के क्षेत्रों के विद्यालय हैं जहां पर पद 100 हो रहे हैं लेकिन छात्र संख्या ना के बराबर है, जिसके कारण ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और ये सभी विद्यालय रोड पर हैं, जिसके कारण जिस अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड बहुत अच्छा होगा सबसे पहले वह इन्हीं विद्यालयों को चयन करेगा। चूंकि उसका स्कोर कार्ड सबसे अधिक है तो उनका सिलेक्शन इन्हीं विद्यालय में हो जाएगा, और यदि उनका सिलेक्शन इन विद्यालय में हो जाएगा तो शेष सभी विद्यालय से उनके नाम बाहर हटा दिए जाएंगे। इस कारण से अधिक अंक होने पर भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। वहीं जिनके कम अंक है तो उनकी जो ज्वाइनिंग होगी ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे कि जो पद संख्या भी पर्याप्त है और छात्र संख्या भी कम है। तो इस कारण से कम अंक होने पर उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी और अधिक अंक होने पर भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। यही कारण है कि अधिक अंक स्कोर कार्ड वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और कम अंक वाले स्कोर कार्ड वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।